गोरखपुर जिले में रविवार को 149 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 14,061 हो गई है। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। 12,261 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,591 कोरोना मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शहर की बात करें तो 52 नए मरीज मिले हैं। इसमें कैंट थाना क्षेत्र रविवार को सबसे अधिक 24 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा शाहपुर में 19, रामगढ़ताल में 2, गोरखनाथ में 2, तिवारीपुर में 1, चिलवाताल में 1, राजघाट में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 46 नए मरीज मिले हैं। इनमें चेरगावा में 12, पिपराइच में 8, पिपरौली में 2, सरदारनगर में 2, सैजनवा में 2, कैंपियरगंज में 1, कौड़ीराम में 1, बढ़लगंज में 2, गगहा में 1, पाली में 1, खजनी में 2, बेलघाट में 2, खोराबार में 4 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 51 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।